आज के समय सुनने में आ रहा है कि भाजपा के कुछ नेता हैं, कभी हनुमान जी को दलित बताते हैं, कभी जाट बताते हैं, कभी कोई मुस्लिम बताता है, उसके लिए आप क्या कहेंगे? हनुमान जी उपदेवता थे, उनकी कोई जाति नहीं, और सुग्रीव के शासन में उनके वो कार्यकर्ता थे। सुग्रीव के शासन वो एक सबके थे, उपदेवता से उनको उपदेवता की श्रेणी में रखा है हमारे विद्वानों, उपदेवता। जैसे सुनने में आता है कि रामायण हमने भी पढ़ी है, सुनी भी है, तो रामायण में उस समय कभी इस्लाम का जिक्र नहीं हुआ, तो जैसे मुकल नवाब ने बोला है कि हनुमान जी लगता है नाम से मुस्लिम थे, तो उन्होंने कुछ 10-20 नाम भी गिनाए, तो इस तरीके से जब उस समय रामायण में इस्लाम तो था ही नहीं, तो हनुमान जी इस्लामिक कैसे हुए? आज से 2500 वर्ष पहले हमारे देश में कोई मुसलमान नहीं था, आप कोई भी इतिहास उठा के देख सकते हो। ये हमारा जितना ब्रजमंडल है, यहाँ खेती नहीं होती थी, सब चारागाह थे या पशुओं के लिए चल रहे, और केवल गऊओं के पालन से सुखी थे सब लोग। ये तो बाद में मुसलमान मुगल आए हैं, बाद में 2500 वर्ष से कोई मुसलमान नहीं था हमारे। ये कोल भील निखाद ये ऐसी जातियाँ थी, हाँ मुगल कोई नहीं था ऐसे।